जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये टिपिकल एग्जांपल है लिम्फ एडिमा का। एक हाथ में आप स्वेलिंग देख रहे हैं जो कि मैस्टेक्टोमी के बाद हुई थी, जो ब्रेस्ट सर्जरी के बाद स्वेलिंग होती है। देखिए आप, एक हाथ बिल्कुल थिन है, दूसरे हाथ में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है। तो आइए हम जानते हैं कि इस लिम्फ एडिमा को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए तीन चीज़ें हम मेजरली यूज़ करते हैं। पहली एक्सरसाइज, सेकेंड नंबर पे हम मसाज करते हैं और थर्ड नंबर पे हम प्रेशर बैंडेज करते हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जो हमारा एडिमा होगा वो ऊपर की तरफ जाके और सारा का सारा बॉडी के अंदर जाके मिल जाएगा वापस से। तो हमने क्या किया कि इन तीनों प्रोसीजर को हमने कंबाइन कर दिया और एक ही पेशेंट में तीनों प्रोसीजर हमने किए, जिससे कि बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सो दिस इज एन टिपिकल एग्जांपल ऑफ पिटेड एडिमा। इसमें देखो, जैसे हम दबाएंगे इसको तो यहाँ पे उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं उंगलियों के निशान, इसे कहते हैं पिटेड एडिमा। अगर पिटेड एडिमा हो तो उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक हो जल्दी हो जाता है। तो इसकी हम एक्सरसाइज बताएंगे, पांच एक्सरसाइज है जो कि कंटिन्यूसली करनी है। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे जो हाथ ऊपर दोनों 10 बार मुट्ठी बंद करनी है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 बार करनी है। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी हाथ आगे पीछे करने हैं, पीछे फिर आगे ऐसे 10 बार करनी है। थर्ड एक्सरसाइज ये हाथ सेम आगे ऊपर नीचे 4, 5, 6 ऐसे 10 बार करनी है, हर एक्सरसाइज में 10-10 बार करनी है। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है, हाथ ऐसे यहाँ पे ये टर्न करना है दोनों शोल्डर्स को 10 बार पीछे 10 बार आगे 10 बार आगे। उसके बाद हम इसी पोजीशन में नेक को टर्न करेंगे, हाथ यहीं पे गर्दन ऐसे 1, 1, 2, 2 ये भी 10 बार करना है पूरा कंटिन्यू। फाइनल जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, उसको हम करेंगे। एक बार खड़े हो जाइए, दीवार का सहारा ले लीजिए, दीवार पे ऐसे हाथ रखने हैं बिल्कुल, उसके बाद आगे होना बिल्कुल, ये जॉइंट्स जो है ये फोल्ड नहीं होने चाहिए, पीछे फिर आगे फिर पीछे फिर आगे पीछे 10-10 बार ऐसे करनी है। ये वाले जो जॉइंट्स हैं ये फोल्ड नहीं होने, ये यहीं पे रखने हैं, ये आगे ये पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये 10 बार। ये 5 एक्सरसाइज है टोटल, इन पांचों एक्सरसाइज को हमने 3 बार रिपीट करना है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं एक्सरसाइज करने में। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप आता है वो आता है मसाज का, फिर हम मसाज शुरू करेंगे। बैठ जाइए, थोड़ी चेयर रख दो। पहले जो हम मसाज करेंगे, गर्दन ऊपर साइड में तो मसल जा रही है, यहां पे देखोगे मसल है, मसल के बिल्कुल आगे हमने मसाज करनी है, दोनों उंगलियों का यूज करना है, उंगलियों उसकी हेल्प से हमने नीचे को तरफ लेके जाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने इसमें ये खासियत है कि हर एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज है, कोई भी मसाज है, कोई भी स्टेप है, हमने 10 बार ही करना, 10 से ज्यादा बार नहीं करना और 10 से कम भी नहीं करना। उसके बाद हम जो सेकंड यूज करेंगे, हाथ पकड़ लेना है, उसके बाद यहां से पीछे से घुमा के लेके आना, यहाँ पे पूरी हथेली का यूज करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे और पीछे से घुमा के आगे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद हाथ हमने यहीं पे रखना है,
और यहाँ पे हमने इस जगह से लेकर दूसरी जगह में ये जो अफेक्टेड साइड है जहाँ पे एडिमा हो रखा है उससे दूसरी जगह पर हमने दूसरी तरफ जाकर ट्रांसफर करना है सारा का सारा फ्लूइड। तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ये 10 बार कंप्लीट हो गया। हाथ नीचे रख देंगे इसके ऊपर, फिर इंग्वाइनल इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड है उनकी ड्रेनेज करवानी है। हाथ पीछे से अंगूठा ऐसे एक पीछे की तरफ लेके जाना है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये 10। उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि जैसे ही मैं बोलूं सांस लेनी है तो सांस लेना और फिर छोड़ना, हमने दबाना है पेट को, जैसे हम दबाएंगे पेशेंट सांस लेगा, सांस लो छोड़ो 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 लो छोड़ो। इससे क्या होगा, जो हमने ड्रेनेज की है इंग्वाइनल लिम्फ नोड की जो ड्रेनेज की है वो अब्डोमेन के थ्रू होती हुई अरोटा से होके हमारे ब्लड वेसल्स के साथ मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने जो हमारा प्रोसीजर है मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज का वो हम शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वो ये क्यूबाइडोफोसा को मसाज करेंगे, बिल्कुल हल्की मसाज करनी है, ज्यादा प्रेशर देना नहीं है। दस बार घुमाना है बिल्कुल सेंटर में क्यूबाइडोफोसा के। उसके बाद हमने यहाँ पे जो लिम्फेटिक है सुपरफिशियल क्यूबाइडल लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पे सुपरफिशियल क्यूबाइडल लिम्फ नोड्स इसकी हमने ड्रेनेज करवानी है क्यूबाइडोफोसा के अंदर। हर एक्सरसाइज में हर प्रोसीजर 10 बार ही होगा। फिर उसके बाद हमने जो यहां पे एडिमा है इसको ओवरकम करने के लिए इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर हम ये जो उंगलियों की ऊपर स्वेलिंग आ रखी है इसको हटाने के लिए पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे। 10-10 बार हर उंगली पे 10-10 बार। हर उंगली पे 10 बार करना है। उसके बाद जो ये उंगलियों वाला फ्लूइड है यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है इसको पीछे लेके जाएंगे हम, सात आठ नौ दस, फिर आगे से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, फिर हम इसको पीछे पूरी बाजू पीछे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस। नीचे से हम यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल लिम्फ नोड होते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड होते हैं उनके तरफ भेजेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर हाथ ऊपर करेंगे और जो यहाँ पे ये लिम्फ नोड एक्सिलरी लिम्फ नोड है इनका ड्रेनेज करवाएंगे इंग्वाइनल लिम्फ नोड में, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये हमारा पूरा स्टेप है। इसको हम फिर से रिपीट करेंगे
तीन तीन बार, हर स्टेप इसमें तीन तीन बार करना है। पहले हमने एक्सरसाइज करनी है, पांच एक्सरसाइज थी, वो भी हमने तीन बार रिपीट करनी है, हर स्टेप उसमें 10-10 बार होगा। उसके बाद हमने जो ये मसाज है, मसाज करनी है, ये भी मसाज 10-10 बार होगी, 10-10 के स्टेप चलेंगे। उसके बाद हमने ये भी तीन बार रिपीट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है, तो हम इसमें थर्ड स्टेप यूज करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा है, इसको हम अच्छे से टाइट से बांध देंगे ताकि ये जो वापिस से जो ड्रेनेज होती है इसके अच्छे से हो जाए, तो वापिस जो एडिमा है वापिस ना बने। तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्लव्स यूज करेंगे। ग्लव्स जो है जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा बढ़िया। एक ग्लव का पहन लो, ये उठा जाते हैं निकालने बाहर। हम क्रैप बैंडेज लेंगे जो कि 7 इंच की आएगी, बड़ी वाली नहीं है। हम मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसको हमने क्या करना है, टाइटली यहाँ पे बांध देना है। इस वाली जगह पर हम इसकी क्लिप लगाते हैं। ये तो पसीना सुना आपने? नहीं। ये हमने कर देना। उसके बाद हमें 2.5 इंची छोटी पट्टी, ये जो उंगलियों के ऊपर ढंग से प्रेशर नहीं बना इसको बनाने के लिए। थोड़ा टाइटली बांधेंगे को ताकि सूजन जो है वो कम हो जाए। एक पट्टी पूरी हमारी इसमें लग जाएगी और यहाँ पे इसको टाइट बांध देंगे। इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि देखने में बुरी ना लगे और ज़्यादा टाइट हो जाए। उसके बाद लास्ट जो है हमारी 2 इंची की सेम रोल, इसका यूज करेंगे, टाइटली बांधते जाएंगे। सब जगह लगा लेंगे हमारी नवार ले लो नवार सूट से बांध दिया ना। इस वीडियो को आपको ऐसे अच्छी तरह से बांधना है। इसको हमने पूरे 12 घंटे के लिए रखना है। 12 घंटे बाद रात को सोते वक्त उसकी भी एक अलग से पोजीशन है सोने की, वो मैं बताऊंगा भी। और ये बात ऐसे रखना है, डेली करनी है पट्टी। 10 से लेकर 15 दिन में आपको आराम खुद को पता चल जाएगा कि हाँ भी आराम आ रहा है मेरे को। रात को जब लेटेंगे उसकी एक जो पोजीशन है हाथ के नीचे हमने तकिया रखना है ताकि ये जो हाथ है हमारा ये ऊपर रहे। या तो पेट पे भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रखोगे तो तकिए के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर आप करवट भी लेते हो तो भी हाथ ऊपर रहना चाहिए। रात को आपको सोते वक्त ये पट्टियाँ उतार देनी है, सुबह अगले दिन फिर करनी है। करवट लेनी है तो हाथ ऊपर रहना चाहिए चाहे कोई भी पोजिशन हो, ठीक है। ऊपर नहीं आएंगे, बस ये ऐसे डिटेल।